आइए आज हम लोग भौतिक में एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे त्वरण कहा गया। इससे पहले हम लोग दो महत्वपूर्ण राशि के बारे में पढ़े, एक है आपका चाल, दूसरा है वेग, और उससे पहले भी पढ़े थे हम लोग दूरी, विस्थापन, इन सभी के बारे में पढ़े हुए हैं। तो वेग के बारे में बताया गया था, अगर कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में है ना गति कर रही है तो हम लोग कहते हैं कि वह उस वस्तु का वेग है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं, कहा करते हैं कि कोई वाहन जो है 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उत्तर की दिशा में चल रहे हैं, तो ये क्या बताया जा रहा है, उस वाहन का वेग बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, इस वाहन का वेग बताया जा रहा है। तो वेग से हम लोग यह पता कर पाते हैं कि वस्तु कितना के स्पीड से गति कर रहा है और वह वस्तु किस दिशा में गति कर रहा है, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोगों को त्वरण के बारे में जानना, त्वरण क्या है, तो इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक कार है, ठीक है, वो अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है या 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, नॉर्थ दिशा में डायरेक्शन है, ये V1 है, ठीक है, या इसको हम लोग U लिख सकते हैं। उसके बाद कार बताइए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जीवन भर चलता रहेगा क्या, ऐसा तो है नहीं। कार क्या करेगा, अपना स्पीड को या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब गाड़ी अभी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, थोड़ा दूर चला, यही ना, विराम अवस्था से कुछ आगे बढ़ा और फिर कुछ समय के बाद कार का वेग जो है हो जाता है आपका 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये आपका T1 टाइम था, मान लीजिए कि 5:05 हो रहा था या 50 मिनट हो रहा था, और ये आपका जो पूरा हो गया T2 टाइम पर 5:55 पर। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा, ये देखने को मिल रहा, समझ में आ रहा कि एक कार का वेग जो था पहले कितना था, तो पहले कार का स्पीड यानी कि वेग कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड, और अभी कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। 10 से 25 आने में वेग क्या हो, बदला कि नहीं बदला, वेग बदल रहा है, यानी कि वेग परिवर्तन हो रहा है, वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यह परिवर्तन होने में कुछ ना कुछ समय लगा ना, ये यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड कब था, 50 में, और यहाँ पर 55 में कितना वेग हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कार जो है 5 मिनट में अपना वेग क्या कर लिया, 10 से 25 कर लिया, ये परिवर्तन हुआ। तो अब हम लोग यह जानना चाहेंगे कि कितना बदलाव, यानी कि परिवर्तन कितना हुआ है ना, इस 5 मिनट में वेग कितना परिवर्तन हुआ। तो कोई भी बता सकता है कि अभी कार का वेग 25 मीटर पर सेकंड और पहले 10 मीटर प्रति सेकंड था, तो परिवर्तन कितना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 10 को घटा देंगे, कितना निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड वह क्या कर रहा है, वेग बदल रहा है। तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड जो वेग बदला है वो कितना मिनट में, 5 मिनट में। समय को भी घटाया जाता है इसी तरीके से है ना, 5:55 में 5:50 को घटाएंगे तो 5 मिनट निकल जाएगा, और मिनट को हम लोग MIN से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहां से पता क्या चला कि 5 मिनट में कार का वेग जो है बदल गया है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं तो क्या पूछा जाता है, किसी भी
चीज का दर पूछा जाता है कि कैसा दर है, यानी कि क्या प्राइस है। जैसे कि हम लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि सब्जी खरीदेंगे 2 केजी तो क्या बोलेंगे, या 10 केजी खरीदेंगे या 50 केजी खरीदेंगे। रेट पूछा जाता कैसे केजी, यानी कि पर केजी वस्तु का दर क्या चीज है, दर यानी कि रेट कितना है, ये जानना है। तो अब गौर से देखिए, तो यहाँ पर ये तो 5 मिनट में ना इतना चेंज हुआ आपका 15 अप डाउन हो रहा था। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा, तो हम लोग यह जानेंगे कि प्रत्येक सेकंड में कितना बदल रहा था। प्रत्येक सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से भागा दे देंगे, यानी कि ये 5 मिनट है तो हम लोग भागा दे देंगे तो आपका निकल जाएगा, ये तो आपका क्या सेकंड में है ना, तो सेकंड को तो यहाँ इसको आप या तो मिनट में बदल दीजिए या तो सेकंड को यहाँ पर भी मिनट में बदल दीजिए, तभी ना भागा होने वाला है। तो हम लोग भागा अगर दे देते हैं तो ऐसे भी दिख रहा कि अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट में बदला था तो यानी कि 15 मीटर पर मिनट हो जाएगा भागा देने से। हम लोग करके देख सकते हैं, ये आपका 15 मीटर प्रति सेकंड है और 5 मिनट का मतलब क्या होगा, 5 × 60 सेकंड होता है। तो यहाँ से आपका सेकंड सेकंड भी कट जाएगा, तो एक दर आपका पता चलेगा कि कार जो है प्रत्येक सेकंड में कितना वेग बदल रहा था। तो 3 मीटर बदल रहा था तब ना 15 मीटर आपका बदला गया यहाँ पर ये कार का वेग। तो यहाँ से यही पता चला कि कार जो है प्रत्येक सेकंड में कितना अपना है ना वेग को बदलता परिवर्तन करता। तो उसी चीज के बारे में एक स्पेशल नाम आ गया है कि कोई भी अगर वस्तु प्रत्येक सेकंड अपने वेग में जो परिवर्तन करेगा उसी परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वही चीज आपका लिखा गया है त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। हम लोग जो बोलते हैं ना गाड़ी में एक्सीलरेटर देने के लिए, एक्सीलरेटर देने का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन लाना, वेग में परिवर्तन लाना। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आया है उसी का नाम क्या चीज है, त्वरण। तो त्वरण है क्या चीज, तो बताया गया कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, जो परिवर्तन होगा उसकी दर को, यानी कि दर हमेशा केस पे निकाला जाएगा, प्रत्येक सेकंड पे नहीं निकाला जाएगा, प्रत्येक सेकंड में वह कितना वेग बदलता, 1 मीटर बदलता है, 2 मीटर बदलता है, 3 मीटर बदलता है या 4 मीटर बदलता है ना। जैसे 1 सेकंड में अगर मान लीजिए 3 मीटर बदलता है तो दूसरा सेकंड में कितना हो जाएगा उसका, 6 मीटर हो जाएगा। अगला 4 मिनट में 4 सेकंड में क्या हो जाएगा, 8 होगा ना। तो यानी कि प्रत्येक सेकंड जो वेग बदलने का दर है उसी दर को त्वरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा डिफिनेशन लिखा गया है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और वस्तु का वेग बदल रहा है, तो वेग बदलेगा तो वेग में परिवर्तन। अब परिवर्तन जो होगा वेग में उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा जैसे बताया गया था यहाँ, तो परिवर्तन होने में लगे समय के अनुपात को त्वरण कहा जाता है। दो डेफिनेशन हो गया सिंपल सा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि प्रत्येक सेकंड में वह वेग कितना बदलता उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण के। त्वरण को संकेत में सिंबल में ए से सूचित करते, ये देखिए लिखा गया त्वरण को ए से सूचित किया जाता। अब गणित रूप से हम लोग त्वरण को लिखेंगे, ये डिफिनेशन है इसके अनुसार आ जाएगा। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, जो समय लगेगा परिवर्तन होने में, समझ में आ रहा है। तो ये दूसरे डिफिनेशन जो है उसी के अनुसार ये बताया गया कि त्वरण इज इक्वल टू परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने में जो समय लगेगा। अब इसी चीज को अब सिंबल में लिखने के लिए समझाया गया, जैसे हम लोग अभी देखे एक एग्जांपल की सहायता से
कि कोई कार था उसका प्रथम वेग यानी कि जितना पहले वाला वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड था, तो ये तो पहला वाला वेग था। कुछ समय के बाद उसका वेग कितना हो गया था, 25 मीटर प्रति सेकंड, इसको हम लोग यही बोलते हैं। तो दो यहां पर वेग परिवर्तन हो रहा, जिस समय के अंदर में जानना चाहेंगे तो जो पहला वेग हम लोग लेंगे उसको बोलते हैं आरंभिक वेग। क्या बोलते हैं? और जब जहां पर जो भी स्पीड होगा अंतिम में उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। तो आरंभिक वेग जो होता है उसको यू से सूचित करते हैं और अंतिम वेग जो होता है उसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। इससे अंतिम वेग है ना, जैसे क्या होगा मोटरसाइकिल चलेगा तो विराम व्यवस्था से गाड़ी जैसे ही निकलेगा 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया तो बोलेंगे कि अभी आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। कुछ समय के बाद उसका वेग इतना हो गया। तो कोई भी व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि इस समय अंतराल में उस वाहन का ना त्वरण क्या, इस समय अंतराल में इतना भी, तो हम लोग त्वरण निकालेंगे। तो एक आपका क्या हो जाएगा आरंभिक, दूसरा अंतिम। अंतिम को भी से और आरंभिक को यू से सूचित करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखाया गया। देखिए माना कि T1 समय पर किसी वस्तु का वेग कितना यू है, T1 समय पे, पहला समय पे T1 टाइम पर। उसके बाद T2 टाइम पे वस्तु का अंतिम वेग कितना भी, समझ में आ रहा। अब देखिए ये u बराबर यहां बता भी दिया आरंभिक वेग और v बराबर, समझ में आ रहा। अब गौर से देखिए, अभी हम लोग जाने यहां पर कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वो जानने के लिए क्या किए थे, 25 में 10 को घटा थे यानी कि अंतिम वेग में आरंभिक को, यहां देखिए लिखा हुआ त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, जो पहले यानी कि अंतिम वाला वेग जितना होगा यानी कि ये और उसमें जो आरंभिक वेग हम लोग घटाएंगे, ठीक, इससे जितना वेग बदला है वो निकल जाएगा। और नीचे में क्या लिखा गया, केवल समय, यानी कि टी, ये आपका T1 होगा और ये क्या होगा T2, तो ये T2 में T1 को घटा देंगे तो कोई ना कोई निश्चित एक समय लगे निकलेगा उसको हम लोग टी मानेंगे, तो ये आपका समय हो गया। तो इसी चीज को संकेत में देखिए लिखा गया A is equal to, A क्या चीज है, त्वरण। क्लियरली रूप से कहा गया कि त्वरण को A से सूचित किया जाता है, तो A हो गया आपका त्वरण। अंतिम वेग क्या चीज है, V, तो अंतिम वेग के जगह पे V रख दिया गया, माइनस है तो माइनस है ना, और आरंभिक वेग, आरंभिक वेग क्या है, U, तो U रख दिया गया, बट्टे समय जो लगेगा T2 में T1 घटाएंगे, समझ में आ रहा। तो यहां से हो जाएगा आपका A is equal to V minus U बट्टे T, ये आपका त्वरण का सूत्र हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, A is equal to V minus U by T। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन तीन फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं यानी कि बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर A क्या है, यहाँ पे गुना में, या T क्या है भाग में, T भाग में बराबर के साइड आ गए तो क्या बन जाएगा, गुना बनेगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि A T is equal to V minus U। ये भी फॉर्मूला कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है डायरेक्टली। उसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया जा सकता, ये माइनस यू है बराबर के साइड आया क्या बन जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा भी, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे निकला, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस में था बराबर के, सॉरी माइनस में है, इधर आके प्लस बन गया और यहाँ ए टी पहले से प्लस में था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकल गया। इस तरीके से हम लोग अगर मान लिए कभी हमको टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला इसी से निकल सकता है, ये चार
राशि अगर दिया इससे टी भी निकाल सकते। जैसे देखिए तीसरा ये जो है आपका ये वाला फॉर्मूला देखिए ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू है, हमको समय निकालना टी बराबर, तो टी निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा वी माइनस यू बट्टे ए किसमें इधर क्या बन जाएगा भाग में, तो आपका t का फॉर्मूला v माइनस यू बाय a हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग त्वरण के बारे में समझ लिए कि त्वरण क्या है, जो वस्तु अपना वेग में जो परिवर्तन करता है जो बदलता उन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं त्वरण कहेंगे। उसका सिंपल सा डिफिनेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है त्वरण कहा जाता है। चलिए हम लोगों को त्वरण का डेफिनेशन समझ में आ गया, त्वरण का सिंबल समझ में आ गया, फॉर्मूला सारा का सारा समझ में आ गया कौन कौन सा फॉर्मूला था। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे बताया गया आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यहाँ पर जो है इस फॉर्मूला में ये देखिए एक का मान क्या, यानी कि एक का मतलब त्वरण है, यहाँ पर यू मतलब आरंभिक वेग है और भी मतलब अंतिम वेग, टी मतलब समय, जो लिखा हुआ था उसी को लिख दिया गया ताकि सभी विद्यार्थी समझ सके। अब हम लोग इसका SI मात्रक निकालेंगे, क्या निकालेंगे SI मात्रक, तो यहाँ पर लिख दिया गया जो होता, अब कैसे निकला है SI मात्रक वो भी हम लोग जानेंगे। ये देखिए SI मात्रक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चाहे इसको पढ़ेंगे या इसको पढ़ेंगे दोनों को एक ही चीज पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़ेंगे किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर और सेंटीमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, नीचे में स्क्वायर सेंटीमीटर ये है प्रति घंटा सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, यानी तो डायरेक्ट अगर पढ़ना चाहेंगे तो के एम एच टू द पावर माइनस एच टू है ना, इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अब ये आया कहां से इसको हम लोग समझते हैं, हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े, ये देखिए हम लोग ए इज इक्वल टू क्या पढ़े v माइनस यू अपॉन टी, हम लोगों को a का क्या जानना है मात्रक जानना है SI मात्रक जानना है, तो बताइए ये क्या वेग में वेग घटाएं, वेग है v माइनस यू तो बड़ी वाली वेग में छोटा वाला वेग घटाएंगे तो प्राप्त क्या होगा वेग ऊपर में तो वेग आएगा और नीचे में क्या आएगा समय आएगा। अब बताइए वेग जो है तो वेग का SI मात्रक हम लोग पढ़े क्या पढ़े वेग का SI मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये वेग का SI मात्रक होता है और समय का SI मात्रक S होता है, समझ में आ रहा। अब जैसे ऐसा लिखा गया विद्यार्थी गणित के घातांक नियम को देखेगा क्या करेगा ये देखिए m बट्टे s नहीं कुछ तो नीचे में 1 तो s बट्टे 1 यहाँ भाग में है भाग का उल्टा गुना 1 ऊपर s नीचे m गुना 1 m s गुना s s स्क्वायर क्या रहेगा, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे देखते हैं मीटर और ये जो बट्टे होता है बट्टे को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं पर या प्रति प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है मीटर ये जो प्रति सेकेंड चूंकि नीचे में है तो हम लोग एक घातांक नियम का फॉर्मूला पढ़े थे ना वन बाय ए का पावर एम बराबर ए का पावर माइनस एम, ये फॉर्मूला पढ़े 1 बटे a टू द पावर प्लस है ठीक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a का पावर माइनस है, यहां पर देखिए क्या बटे s स्क्वायर है
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस का पावर माइनस टू हो जाएगा। और पढ़ेंगे क्या इन चीज को, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वही चीज लिख दिया गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अन्य मात्रक भी इसका इस्तेमाल किया जाता, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर या सेंटीमीटर प्रति घंटा सॉरी प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो एसआई मात्रक या अन्य मात्रक कैसे निकाला गया या कैसे याद रख सकते हैं, या आपको याद रखने का तरीका बताया, और ये कभी भी आप निकाल सकते हैं, याद नहीं भी रहेगा एक सेकंड में निकाला जा सकता अगर आपको वेग का एसआई मात्रक पता हो तो, त्वरण का निकाला जा सकता, इसको याद करने का आवश्यकता भी नहीं। जब भी पूछा जाए त्वरण तो त्वरण का तुरंत फॉर्मूला याद करें, त्वरण का फॉर्मूला यही होता है v माइनस u बाई t। तुरंत माइंड में हम लोग कल्पना करेंगे, ऊपर में वेग नीचे में समय, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, नीचे में समय केवल समय, भागा दे देंगे तो ऐसा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हम लोग तुरंत माइंड में कल्पना कर सकते हैं और इसको आसानी से दिमाग में सेट किया जा सकता है। तो कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, अगर याद कीजिएगा आज कीजिएगा कल भूल जाइए, इससे बेहतर है कि वो टेक्निक हम लोग जानेंगे जिससे कि आसानी से इसको समझा जा सके और कहीं भी किसी भी जगह आराम से हम लोग निकाल सके। अगर ये चीज अगर अभी समझ में आ गया, 11 क्लास का फिजिक्स में आप लोग एकदम आसानी से समझ सकते हैं, पूरे के पूरे 11 क्लास में यही मिलेगा आपको। इसी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंटर में प्रयोग होता है। फिजिक्स अगर समझना हो वही विद्यार्थी समझ सकता है जो इन सभी चीज को पहले से जानता है, और जो नहीं समझ सकता फिर उसके थोड़ा टफ हो जाता, दिक्कत हो जाता। बता देता फिजिक्स का टीचर, वो आया 11 क्लास का सिलेबस पराक्ष ले गया, विद्यार्थी को समझ नहीं आया। इसलिए बहुत विद्यार्थी जो है वहां पर लेने के बाद इंटर में साइंस लिया, उसके बाद फिर बाद में आर्ट्स ग्रुप को ज्वाइन कर देता, तो वो डिपेंड करता हूँ क्योंकि समझ नहीं आ पाता है इसी के कारण कि वो नीचे का क्लास करता है, वहाँ टीचर डायरेक्ट वहां पर इस्तेमाल करेगा कि ये तो आपका वेग या त्वरण का एसआई मात्रक कितना होता, विद्यार्थी जान ही नहीं पा रहा ये होता कैसे। यहां तक कोई दिक्कत है?